हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री स्टडी चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 241 से लेके 270 तक। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से थर्मोडाइनमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर कर चुके हैं, तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट वो बना दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद एक ये इंफॉर्मेशन और है कि टेलीग्राम ग्रुप में टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस कर, ये है नाम टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक। तो इस पर हर संडे को फुल टेस्ट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक, 100 क्वेश्चन का, ओके। तो आप लोग अटेम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 241 है, इनिशियल टेंशन इन बेड्स व्हेन स्टेशनरी। तो कितना होगा इनिशियल टेंशन, वो होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ टाइट एंड स्लैक साइड, ओके, T1 प्लस T2 बाई 2, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट। इसके बाद 242 है, कैन सिंपल बैंड ब्रेक बी मेड सेल्फ एनर्जाइजिंग टाइप। हाँ, सिंपल बैंड ब्रेक को हम लोग सेल्फ एनर्जाइजिंग टाइप का बना सकते हैं, बट वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल, ओके। इसके बाद 243 है, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट फ्लाई व्हील। तो पहला है, फ्लाई व्हील स्मूथेंस द साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड व्हेन डिलीवरिंग कॉन्स्टेंट आउटपुट हॉर्स पावर। सेकेंड है, इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द मीन स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर। इसके बाद सी है, इट टेक्स केयर ऑफ आउटपुट फ्लक्चुएशन एंड कंट्रोल्स इनपुट अकॉर्डिंगली। पहली बात तो जो सप्लाई का कंट्रोल होता है वो हम करते हैं गवर्नर से, फ्लाई व्हील का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है सी पार्ट, ठीक। तो इसने फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछा था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ओके। इसके बाद 244 है, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबव गवर्नर, ठीक। फर्स्ट है, इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ मीन स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर, ठीक। मेन काम ही यही होता है गवर्नर का कि वो मीन स्पीड ऑफ रोटेशन को कंट्रोल करता है, ठीक। तो इसलिए इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हुआ, ए पार्ट हुआ, ठीक। तो इसके बाद 245 है, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ कोनिकल और फ्लैट पाइवट बेयरिंग एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर इन कंपैरिजन टू एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म वेयर, ठीक। तो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर में 2/3 म्यू एन आर करके आता है, और आपका उसमें यूनिफॉर्म वेयर में 1/2 होता है, ठीक। तो इसमें से किसका ज़्यादा हुआ, ये हुआ 2/3 यूनिफॉर्म प्रेशर का। तो इसलिए इसका क्या होगा, बी पार्ट, मोर, ठीक। फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो यूनिफॉर्म प्रेशर में ज़्यादा होगा देन यूनिफॉर्म वेयर। इसके बाद 246 है, इफ़ T1 एंड T2 बी द टेंशंस इन किलोग्राम ऑन टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ अ बेल्ट एंड वी बी इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, देन हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू। तो हॉर्स पावर इसने देखिए T1 जो T2 दिया है वो इसने किस में दिया है, किलोग्राम में। तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो ये आएगा, डिनोमिनेटर में 746 डिवाइडेड बाई 9.81, ये अराउंड आएगा 75 के, ठीक। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट, T1 माइनस T2 इंटू वी बाई 75। यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखने वाली होगी, जो आपके T1 T2 हैं वो किलोग्राम में दिए हैं, ओके। इसके बाद 247 है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ एंड पिच सर्कल डायामीटर। तो ये क्या होगी, ये तो आपकी होगी डायामीटरल पिच, ठीक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 248 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद द कंडीशन ऑफ द मीटिंग ईयर्स। तो इसमें देखिए बेस सर्कल डायामीटर चेंज नहीं होगी, ठीक। आपका प्रेशर एंगल चेंज हो सकता है एक बार, बट आपकी बेस सर्कल डायामीटर वो चेंज नहीं होगी, ओके। इस पर क्वेश्चन भी वो बनते हैं गेट, इस मतलब की कॉन्सेप्ट पे गेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि प्रेशर एंगल बताओ, और वो दे देगा स्टार्टिंग में बेस सर्कल डायामीटर इतनी है और बाद में भी बेस सर्कल डायामीटर इतनी है। तो आपको दोनों को इक्वल करके आपको फिर फाइंड करना पड़ेगा वो प्रेशर एंगल, ठीक। इसके बाद 249 है, द सर्किल पासिंग थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ ऑफ गियर। तो देखिए अगर ये टीथ है तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल पूछ रहे हैं ये लोग, तो ये सर्किल कौन सा है,
ये है डिडंडम सर्किल, ठीक। और ये सर्किल कौन सा है, ये है पिच सर्किल। और ये सर्किल कौन सा है, ये है एडेंडम सर्किल। ओके, तो इन्होंने पूछा द सर्किल पासिंग थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ ऑफ द गियर, ठीक। तो ये हो गया डिडंडम सर्किल। करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट 250 है। पिच सर्किल डायामीटर ऑफ एन इन्वॉल्यूट गियर इज, तो देखिए पिच सर्किल डायामीटर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक। तो पिच सर्किल डायामीटर आपकी डिपेंड करती है प्रेशर एंगल पे, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 251 है, इंटरमीडिएट गियर्स आर यूज्ड फॉर ऑप्टेनिंग रोटेशन इन डिजायर्ड डायरेक्शन, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इंडिविजुअल गियर, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट व्हील्स ऑफ द ट्रेन, ड्राइविंग ऑक्सिलरीज इंसिडेंटल टू द मेन ड्राइव। ये चारों ही जो फंक्शन है वो आपके इंटरमीडिएट गियर के हैं, ठीक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। ओके, इसके बाद 252 है, इन एन इन्वॉल्यूट गियर द नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट इज टेंजेंट टू द बेस सर्किल। ओके, जैसे ये हैं दो टीथ, तो इनमें जो नॉर्मल होगा, कॉमन नॉर्मल जो होगा, ये आपका जो टेंजेंट किसके होगा, ये टेंजेंट होगा बेस सर्किल के। ओके, इसके 253 है, गियर्स आर कंसीडर्ड टू बी मीडियम वेलोसिटी इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी लाइज इन द रेंज ऑफ 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। इससे आपको लो वेलोसिटी टाइप भी पता हो गया और हाई वेलोसिटी टाइप भी पता हो गया, ठीक। 3 से कम आप लोग लो वेलोसिटी कर सकते हैं और 15 से ज़्यादा हाई वेलोसिटी, ठीक। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक। इसके बाद 254 है, द सर्फेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द पिच सर्फेस इज कॉल्ड, तो जैसे ये आपका टूथ है, ठीक, ये। ओके, तो ये है आपका पिच सर्किल, तो इसके ऊपर ये आपका होगा फेस और इसके नीचे ये होगा आपका फ्लैंक, ठीक। और इसने क्या पूछा, सरफेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द फेस सरफेस, ठीक, तो वो क्या होगा, फ्लैंक। अगर ये अबव द पूछता तो क्या होता, फेस। इसके बाद 255 में दिया, विच इज़ करेक्ट, तो इन तो ये इन्वॉल्यूट ऑफ फाई इक्वल टू टेन फाई माइनस फाई, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ये फार्मूला आपको ना तो SS रत्न में दिया होगा ना किसी बुक में, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा नेप्टन के लेक्चर आप जब देखेंगे तो उसमें, जो थ्योरी ऑफ मशीन के देखेंगे लेक्चर गियर के, तो उसमें आपको ये वाला फार्मूला उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके, इसके बाद 256 है, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ हेलिकल गियर इज आइडेंटिकल टू स्पर गियर। ओके, सो 256 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 257 है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गियरिंग टीथ शुड बी ऑफ इन्वॉल्यूट टाइप, क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग टीथ शुड बी प्रोवाइडेड, डिडंडम शुड बी इक्वल टू 1.157 mm, टीथ शुड बी ऑफ साइक्लोडल टाइप। पहली बात तो लॉ ऑफ गियरिंग है वो हमें बस ये बताता है कि जो रेशियो होगा एंगुलर वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमें टीथ की प्रोफाइल नहीं बताता है, ना तो वो हमें डिडंडम के बारे में बताता है, वो हमें सिर्फ लॉ ऑफ गियरिंग यही है कि जो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इन चारों जो ये दिए गए ऑप्शन, इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, नन ऑफ दीज। इसके बाद 258 गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शाफ्ट हूज एक्सेस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक। तो पहला पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, ठीक। पैरल, अगर पैरेलल शाफ्ट हो तो उसमें स्पर गियर आता है, हेलिकल गियर आता है, ठीक। और अगर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो तो उसमें बेवल गियर आता है। अगर नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग हो, मतलब स्क्यू टाइप हो, तो उसमें कौन से आते हैं, वॉर्म गियर आता है, क्रॉस्ड हेलिकल गियर आता है, ठीक, और हाइपोइड गियर आता है। ओके, इसके 259 है, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गियर्स, पिच सर्किल इज ऑलवेज बिगर देन बेस सर्किल, तो बेस सर्किल डायामीटर कितनी होती है, पिच सर्किल डायामीटर इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू तो 1 से कम होगी, तो इसलिए पिच सर्किल डायामीटर, पिच सर्किल आपका बेस सर्किल से ज़्यादा होगा, ठीक, वो बड़ा होगा पिच सर्किल, तो पहला तो सही है। इसके बाद सेकंड है, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बेस सर्किल फ्रॉम विच द इन्वॉल्यूट इज जनरेटेड, ठीक, तो ये भी सही है। सी है, एडेंडम इज़ बिगर देन डिडेंडम, तो एडेंडम की वैल्यू होती है
वन एम, और डिटेंडम की वैल्यू होती है वो होती है 1.157 m. तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? डिटेंडम की, और एडेंडम की वैल्यू कम है, तो आपका सी वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो आपका इससे फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछा था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। इसके बाद 260 है, इफ़ डी एंड टी इज द पिच सर्कल डायामीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ गियर देन इट्स सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच क्या होती है? पी इक्वल टू पाई डी वाई टी, और डी वाई टी क्या होता है? मॉड्यूल। ठीक, तो इसने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, वो दिया है डी पार्टी पाई डी वाई टी। अगर ये पाई एम भी देता तो भी सही होता, क्योंकि मॉड्यूल हमारा डी वाई टी होता है। इसके बाद 261 है, अगर फाइव फ्रिक्शन एंगल है और अल्फा सॉफ्ट एंगल है देन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पायरल गियर। तो स्पायरल गियर की देखिए एफिशिएंसी आपको हेलिकल, स्पायरल और स्पर, इन तीनों की एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ में वॉर्म का भी। ठीक, तो इन चारों गियर की एफिशिएंसी का मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। स्पायरल गियर का क्या होगा? 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस फाइव। इसके बाद आपका 262 है, लॉ ऑफ गियरिंग इज सेटिस्फाइड इफ कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस थ्रू पिच पॉइंट ऑन द लाइन। देखिए ये आपके दो टूथ हैं, ठीक, ये है इस पर कॉमन नॉर्मल। ठीक, तो ये कॉमन नॉर्मल आप ये है इसका सेंटर, ठीक, इधर कहीं इसका सेंटर होगा। ठीक, ये जब इधर से हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे तो ये जो कॉमन नॉर्मल है ये सेंटर वाली लाइन को कहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, और वही पॉइंट क्या होगा हमारा? पी पॉइंट। ठीक, ये है और ये है। ठीक, ये है कॉमन नॉर्मल, ये है सेंटर इसका, ये है सेंटर इसका। ठीक, अब हम इसको सेंटर सेंटर मिलाया, अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ये हो रहा है पी पॉइंट पे। ठीक, और ये पी पॉइंट क्या है? ये है पिच पॉइंट। ठीक, ये है ए और ये है बी। अब देखिए लॉ ऑफ गियरिंग क्या है? ये है वन गियर नंबर वन और ये गियर नंबर टू, तो ओमेगा वन बाई ओमेगा टू वो किसके बराबर होगा? ए पी, ए टू पी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक, ए पी बाई बी पी, बी पी मतलब ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो ये है, ये है आपका लॉ ऑफ गियरिंग। इसके बाद आपका 263 है, इफ़ डी वन एंड टी वन बी द डायामीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर वन एंड डी टू एंड डी टू बी द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द अदर गियर इन मेस देन स्पीड रेशियो एन वन बाई एन टू वे बी ए विल बी इक्वल टू, तो पाई डी वन एन वन इक्वल टू पाई डी टू एन टू, तो एन वन बाई एन टू यहाँ कितना हो जाएगा? डी टू बाई डी वन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी पार्ट। इसका 264 है, द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इन इन्वॉल्यूट गियर इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो 264 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। 265 है, द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एडवांस बाई ईच टूथ पर रिवॉल्यूशन। ठीक, देखिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हेलिकल गियर इज नोन एज लीड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। 266 है, द प्रेशर एंगल फॉर इन्वॉल्यूट गियर इज, तो इन्वॉल्यूट गियर के लिए हमेशा प्रेशर एंगल कांस्टेंट रहेगा। 266 का बी पार्ट। 267 है, दैट सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मेसिंग इन्वॉल्यूट गियर इज, तो ये होगा आपका ए पार्ट, सम ऑफ बेस सर्किल रेडियस डिवाइडेड बाई कॉस वाई। इसके बाद 268 है, कॉन्टेक्ट रेशियो फॉर गियर्स इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द, तो कॉन्टेक्ट रेशियो होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट टू द कॉस वाई। तो 268 का करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। इसके बाद 269 है, डिडेंडम सर्किल डायामीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉस वाई एंड पिच सर्किल डायामीटर। ओके, तो 269 का करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। इसके बाद 270 है, फॉर साइक्लॉइडल टूथ प्रोफाइल प्रेशर एंगल एट कमेंसमेंट ऑफ इंगेजमेंट पिच पॉइंट और एंड ऑफ इंगेजमेंट पे, मतलब इनमें हमें प्रेशर एंगल बताना है कि इन तीनों पोजीशन पे कितना होगा। ठीक,
तो कमेंसमेंट ऑफ इंगेजमेंट, ठीक। तो एट द स्टार्टिंग आपका प्रेशर एंगल होगा 0, उसके बाद पिच पॉइंट पे होगा मैक्सिमम, और एंड ऑफ इंगेजमेंट पे कितना होगा 0, ठीक। और यही चीज़ आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में क्या था, कांस्टेंट, ठीक। तो ये तो एक हो गया डिफरेंस हमारा इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल टूथ प्रोफाइल में। तो आपका 270 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, ठीक। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। और इसके अलावा आप लोग कल जो कि संडे है, तो संडे में आपको एक फुल टेस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।